हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्काई डाइविंग के बारे में। तो कैसा फील होता है जब आप प्लेन पे चढ़ते हो, कैसा फील होता है जब आप वहाँ से जंप करते हो, कैसा फील होता है जब आप हवा में होते हो, तो इन सब के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस स्काई डाइविंग का इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्काई डाइविंग मेरे लिए सिर्फ एक प्लेन से जंप करना नहीं था, एक स्पोर्ट्स नहीं था, एक एक्टिविटी नहीं थी, एक चेकमार्क नहीं था जिसको आप लिस्ट पे कट कर दो। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करता है लाइफ फियर एंड डेंजर के बीच में। तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। जब इंस्ट्रक्टर आपको प्लेन की तरफ लेके जा रहा होता है ना, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा मतलब आप एक्साइटेड होते हो इस चीज के लिए, इस एक्टिविटी के लिए। तो आपके अंदर ना आपके हर किसी का रिएक्शन होता है, यू ये समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद प्लेन पे चढ़ते हैं, प्लेन में चढ़ने के बाद भी हर कोई मस्ती कर रहा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ना इंस्ट्रक्टर खुद ही मोटिवेट करता है उसको मस्ती करने के लिए। बट थोड़ी देर बाद जब प्लेन हवा में जाता है ना, तो मेरे दिमाग में तो ये थॉट आया कि भाई जिस प्लेन में बैठा हूँ वो थोड़ी देर में कम से कम 10-15 मिनट में खाली होने वाली है, वो भी हवा में। मतलब जितने भी बंदे मेरे को दिख रहे हैं सारे गायब हो जाएंगे। और इसके बाद खुलता है प्लेन का दरवाजा। इस टाइम पे दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि इससे पहले जो भी लोग ऐसे रॉक स्टार ये चिल चिल कर रहे थे ना, सबकी बोलती बंद। अब सबकी नजर होती है गेट पे बैठे हुए पहले बंदे पे, सिर्फ एक जुक की आवाज सुनाई देती है और बंदा गायब। अभी तक हमारे दिमाग को सिर्फ ये पता है कितनी हाइट से अगर बंदा कोई गिरता है तो वो तो गया, साले की हड्डी तक नहीं मिलेगी। और आपकी नजरों के सामने जुक 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 करके पूरी प्लेन खाली जाती है और आप सिर्फ अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो पहला लाइफ लेसन यहाँ पे मेरे को सीखने को मिला कि ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है अपने पे नहीं उस बंदे पे, कि चलो ठीक है भैया मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अपनी लाइफ इसके हाथ पे दे रहा हूँ। तो बचा तो बचा, नहीं तो गया। और इंस्ट्रक्टर आपको किसी तरीके से गेट तक लाता है और आपके पैर नीचे, जैसे ही आप पैर प्लेन के नीचे डालते हो, इतना ठंडा टेम्परेचर था वहां पे और इतनी जोर की हवा कि आपका पैर तुरंत फ्रीज हो गया, इतना पूरा फ्रीज। और इंस्ट्रक्टर आपको पॉइंट आउट करता है कि आप नीचे मत देखो, उसका अपना सर उसके चेस्ट पे ऐसे करके रखो या फिर कैमरे की तरफ देखो, स्माइल करो, ये पॉइंट आउट करता है। बट ट्रस्ट नहीं, उस टाइम पे किसी की भी नेचुरल स्माइल नहीं निकलती है, क्योंकि आपने जस्ट नीचे डेथ को देखा है। और इस टाइम पे आपकी धड़कन इतनी तेज आती है कि ऐसा फील होता है कि भाई जंप कराते मैं नीचे गिर के मरना पसंद करूंगा, लेकिन इस खुले हुए प्लेन के एज पे बैठना पसंद नहीं करूंगा। और तभी इंस्ट्रक्टर मेरे को नीचे पुश करता है और मैं इतनी तेजी से नीचे जा रहा था, और स्टार्टिंग के लगभग 5 या 10 सेकंड तक मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा हार्ट किसी ने दोनों हाथ में पकड़ के ऐसे जोर से स्क्वीज कर दिया है। मे बी दैट वॉज द फीलिंग ऑफ डेथ, आई कैन से दैट। और उसके बाद लगभग 180 की स्पीड से नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे पूरा फेस पे बादल, कान सुन पड़ गए हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और उसी बीच मेरा इंस्ट्रक्टर ने लिया 360 टर्न। भाई ये इतना शानदार व्यू था ना कि इसने पूरा स्काई डाइविंग का गेम चेंज कर दिया। मतलब मैं 180 की स्पीड से ऐसे हवा में नीचे की तरफ जा रहा हूँ, मेरा फेस आसमान की तरफ है और मेरे को जो प्लेन दिख रहा था वो स्लो मोशन में ऐसा छोटा होता हुआ दिख रहा था। मतलब इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी मेरे मुंह से वाव निकल गया। मतलब ये इतना अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं स्पेस पे हूँ, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था ना। और ये व्यू तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता जब तक मैं स्काई डाइविंग नहीं करूंगा। तो और जैसे ही मैं सीधा होता हूँ ना, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं जा किधर रहा हूँ। तब मैं ऐसा लॉस्ट हो गया था कि मैं किस डायरेक्शन पर जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा। और जब मेरे को होश आया तो मेरे सदमे भरे चेहरे में ना ऐसी स्माइल आई कि ट्रस्ट मी, वो स्माइल थी ऐसे प्राउड की कि यार शाबाश तूने तेरे फियर को हरा दिया। और स्माइल थी ऐसे हैप्पीनेस की, वो स्माइल थी फ्रीडम की, जो चीज़ आप फील कर रहे थे ऐसे फियर को हराने के बाद। नीचे आए, अपने दोस्तों को हग कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उस टाइम पे मेरे को एक बात पता चली कि अगर आप मैक्सिमम पॉइंट ऑफ डेंजर में अगर मिनिमम पॉइंट ऑफ फियर के साथ खड़े हो, दैट टाइम यू रियलाइज दैट लाइफ इजंट दैट यू वर लिविंग, लाइफ हैज समथिंग एल्स दैट यू वर मिसिंग बिकॉज ऑफ फियर। That was my experience of skydiving. And one more line I would like to add in this video for you guys. God placed the best things in life on the other side of fear.